कोलकाता में मेडिकल कॉलेज के पास धारा 163 लागू कर दी गई है। 24 अगस्त तक धरना प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी और 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने पर भी रोक जारी रहेगी। कोलकाता पुलिस ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। शनिवार से लेकर 24 अगस्त देर रात के लिए इसको लागू कर दिया गया है। ये धारा पहले 144 नाम से जानी जाती थी। कोलकाता में अस्पताल के आसपास 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही हथियार लेकर जाने या तनाव पैदा करने वाली किसी भी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। 9 अगस्त को कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या की गई थी। डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ के विरोध के बीच 14 अगस्त की देर रात अस्पताल में अचानक सैकड़ों की भीड़ घुस गई और तोड़फोड़ की। पुलिस ऑर्डर के मुताबिक श्यामपुकुर, उल्टा डांगा, ताला पुलिस स्टेशन एरिया के बेलगछिया रोड, जेके मित्रा रोड क्रॉसिंग और श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग एरिया में धारा 163 लगाई गई है। इन इलाकों में किसी भी रैली या प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। कोलकाता पुलिस के इस फैसले से डॉक्टर के रेप मर्डर को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल पर असर देखने को मिल सकता है। आज कोलकाता में होने वाले प्रदर्शन और मार्च प्रभावित हो सकते हैं। कोलकाता के आरजी कर्ण मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी। सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से फिर से पूछताछ की। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से घटना के दिन के रूटीन और घटना के अगले दिन से जुड़े कई सवाल पूछे। इतना ही नहीं, घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो बयान मीडिया में सामने आए, वो बयान किस आधार पर दिए गए, उससे जुड़े भी सवाल पूछे गए। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को कल रास्ते से उस वक्त उठाया जब वो अपने घर जा रहे थे। बताया गया कि पूछताछ के दौरान संदीप घोष से मिली जानकारी के आधार पर सीबीआई कल रात ही अस्पताल गई और कुछ कागजात लेकर वापस सीजीओ ऑफिस लौट आई। इसके बाद सीबीआई की टीम ने फिर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की। इतना ही नहीं, बताया गया कि मृतक लेडी डॉक्टर के परिवार वालों ने सीबीआई को बताया था कि उनकी बेटी बहुत दबाव में रहती थी और उसे जबरदस्ती ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया जाता था। उससे जुड़े सवाल भी पूर्व प्रिंसिपल से पूछे गए। बात कोलकाता की, जहां पर महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में सबूत मिटाने की साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बुधवार रात को अस्पताल में की गई तोड़फोड़ का एक वीडियो सामने आया है। जो तोड़फोड़ के पीछे गहरी साजिश की ओर इशारा करता है, क्योंकि इस वीडियो में एक शख्स को हमलावरों को अस्पताल में तोड़फोड़ करने का निर्देश देते हुए सुना गया। दरअसल बुधवार रात को कोलकाता के उस अस्पताल में जमकर बवाल हुआ जहां महिला डॉक्टर से दरिंदगी हुई थी। आधी रात को विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और देखते ही देखते भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवी अस्पताल में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की थी। उपद्रवियों ने कैंपस में सब कुछ तहस नहस कर डाला था। उसी दिन हुए हमले का एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में कुछ लोग इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ के दौरान ही पीछे से किसी ने उपद्रवियों को आदेश दिया, यहां हो गया है, अब सेमिनार हॉल में चलो। दरअसल सेमिनार हॉल में ही महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब सवाल उठने लगा है कि आखिर अस्पताल पर ये भीड़ का हमला था या फिर सबूत मिटाने की साजिश थी, और अगर साजिश थी तो इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं और उपद्रवियों को कौन निर्देश दे रहा था। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से दरिंदगी मामले को लेकर मृतक डॉक्टर के पिता का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में मेडिकल कॉलेज के ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स पर सवाल उठाए हैं। उनके लिए चिंता की बात है, जब उनकी बेटी ड्यूटी कर रही थी तब 7 घंटे तक किसी भी डॉक्टर ने उसकी सुध नहीं ली। हमको सबसे अच्छा सबसे दिक्कत का प्रश्न यह है कि रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का, उस जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा, यही एक हमारा सत्यन आ गया मन में। यही वजह रही कि उन्होंने घटना के वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर समेत पूरे विभाग पर सवाल उठाया। उसका दिक्कत था कॉलेज में पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है, डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। हम क्या बोला, 7 घंटा से लड़की का ऑन ड्यूटी कॉलर ऑन कॉल में डॉक्टर है, उसको 7 घंटा में किसी का जरूरत नहीं पड़ा। कभी कभी दिन में ऐसा होता है उसको खाना नहीं मिल, खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है। फिलहाल पीड़ित परिवार से बातचीत के बाद सीबीआई ने इस मामले में कार्रवाई तेज कर दी है।